हेलो डियर माय फैमिली, आज जो हम लोग जो हैं, आज हमारा हिस्ट्री का एसएससी जीडी के लिए आज हमारा पांचवा क्लास है और हम लोग आज पूरे 100 क्वेश्चन ख़त्म करने जा रहे हैं। आज हमारा टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो हमारा आज ख़त्म हो जाएगा, यानी देखते ही देखते अगर आज हम लोग 100 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा दो 5 से, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 500 क्वेश्चन जो है हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। कैसे है? क्योंकि हम लोग इसके एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। एसएससी जीडी RWA की बुक है ये और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं एक बात और बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और है मेरा टेलीग्राम का नाम। आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, मैक्सिमम टेलीग्राम पे करना क्योंकि मैं मैक्सिमम रिप्लाई वहाँ देता हूँ। व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेज है, आप पीडीएफ मांग सकते हो, ठीक है? और फ्री पीडीएफ मांगने वाले दूर रहना, ठीक है? चलो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो हैं 81वां क्वेश्चन पे हैं। 81वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सातवाहन जो थे, है ना, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवाहन जो है वो दक्षिण भारत के थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ। तो सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो है सातवाहन के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक जो है वो सातकर्णी प्रथम था। कौन? सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था जो वो गौतमीपूर्ण सातकर्णी था। कौन था? प्रथम जो है यशस्वी शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मतलब अगला इसमें बोला गया है कि सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है इनका राजवंश था, ठीक है? तो सातवाहन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये जो तीन हमारे स्टेट हैं दक्षिण भारत की तरफ, यहाँ पर इनका अधिकार था। तो इसमें दो तीन ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से रिलेटेड है, दक्षिण भारत से रिलेटेड है, संस्थापक कौन है, सिमुक है। तो ऐसे ही हमें डिटेल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 82 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे कुषाण। कनिष्क कौन वंश के थे? कुषाण वंश के थे। तो कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन थे? एक थे विम कडफिसिस, एक थे कुजुल कडफिसिस, एक थे वासिष्क। तो कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क, वासुदेव। तो इश्क इश्क याद रखना और फीसस फीसस याद रखना, तो और वासुदेव भी याद हो ही जाएगा। तो कुषाण वंश के ये शासक थे और आपको शासक पूछते हैं, सब शासक आपको याद होना चाहिए, रिपीटेड पूछते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इस बुक को बस रट डालो, पीडीएफ चाहिए कि आपको एक ही दिन में रट लेना है तो आप पीडीएफ मेरे पास से प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आप कांटेक्ट कर लो मुझसे, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। चलो अब हम लोग चलते हैं 83 के क्वेश्चन पे। आज हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा भाइयों, इसी बात पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, प्यार बहुत कम देते हो, मैं बंद कर दूंगा इस सीरीज़ को। मौर्य के 83वां क्वेश्चन है, मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास का डैश के रूप में जाना जाता है। मौर्योत्तर काल, पूर्व ब्रिटिश काल, पूर्व मौर्योत्तर काल या औद्योगिकरण। तो उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर मौर्य काल। एक बार और सुन लो, बोला है कि पतन से लेके, मौर्यों के पतन से लेके गुप्तों के उत्थान तक इस अवधि को जो है क्या कहते हैं, उत्तर मौर्य काल। मौर्य काल का पतन हो गया यानी उत्तर मौर्य काल शुरू हो गया। तो 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो मौर्योत्तर काल में जो है, या उत्तर मौर्य काल जिसको बोलते हैं, मौर्योत्तर काल में जो रेशम मार्ग का नियंत्रण जो है वो कुषाण वंश ने किया था। कुषाण वंश, अभी पता चला था कुषाण वंश। तो कुषाण, कनिष्क कहाँ संबंधित है? तो कनिष्क जी जो है आपके कुषाण से संबंधित है। और उसके जो हैं अन्य शासक भी थे जिसमें डिफिस डिफिस लगाए हुए थे और शिष्क शिष्क लगाए हुए थे, तो हमें ऐसे याद कर लेना है। तो चलो कुषाण वंश के बारे में कुछ अच्छे से जानते हैं। ये सोचो तुम्हारा लास्ट बार है, ठीक है? इस बार जेडी पार करना है दोस्तों,
तो कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुषाण वंश के संस्थापक जो है कुजुल कडफिसस थे। कौन थे? कुजुल कडफिसस थे संस्थापक। और कुषाण वंश के महानतम शासक जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क का नाम सुना होगा मैक्सिमम आपने, वो कुषाण वंश के थे। मूर्तिकला की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, कनिष्क ने सिल्क मार्ग यानी चीन से रोम तक जाने वाला जो रास्ता है उस पर नियंत्रण किया था। सिर्फ उसे क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग। तो हम लोग मैक्सिमम ना सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं, लेकिन रेशम मार्ग बोलना उसे। ठीक है, अगला है, मौर्योत्तर काल में डैशवे पुरुष और महिलाएं थी मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी, दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में जो दास कर्मकार होते थे, दास यानी नौकर, कर्मकार यानी कर्म, कर कर मतलब करने वाला, यानी नौकर कर्म करने वाले, उनके पास जाहिर सी बात है जमीनें नहीं थी, तब ना नौकरी कर रहा था। तो ऐसे याद रखेंगे, मौर्योत्तर काल में जो है दास कर्मकार जो थे वो जो थे आपके भूमिहीन थे, जमीनें उनके पास नहीं होया करती थी। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है या फिर एनालिसिस में आया होगा। देखो एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एनालिसिस जो हमारे ये जो होते हैं नीचे में, ये जो होते हैं हमारे नीचे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन ही होते सारे के सारे। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, एक क्वेश्चन से हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग वंश की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग, स्थापना जो है 185 ईसा पूर्व हुआ, अंतिम मौर्य शासक जो है वो बृहदत्त की हत्या कर, बृहदत्त कौन थे? मौर्य शासक थे। बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। याद है मैंने इससे पहले पढ़ाया था, तीसरे वीडियो में पूछा था कि बृहदत्त जो है, पूछा था मौर्य शासन काल के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहदत्त। तब उसमें डिफाइन किया था कि शुंग पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। ये कौन थे पुष्यमित्र शुंग? इनके सेनापति थे। ठीक है, सेनापति थे, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अच्छे से। तो शुंग वंश के अन्य शासक भी हैं, जैसे कि अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र और देवभूति। तो मित्र शुंग याद रख लेना। अब लिखा है डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित का रचना किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो और ये भी हमें पता चल रहा है कि वो जो है कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो बुद्ध चरित की रचना जो है वो अश्वघोष ने की। किसने की? अश्वघोष ने की। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। तो अशोक, महान अशोक का नाम सुना है ना आपने, महान अशोक। अब इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, याद है अशोक कौन है? आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोता। ठीक है, इन्होंने धम्म चक्र अपनाया था, इन्होंने ही कनिष्क की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो हमें सब पता होना चाहिए। तो द्वितीय अशोक कहते थे किसी को? कनिष्क को। तो क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? तो कनिष्क कहा जाता था। कनिष्क किस वंश थे? कुषाण वंश थे। कुषाण वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? कनिष्क थे। हमारे दिमाग में ना हर क्वेश्चन घूमना चाहिए एक एक करके। ठीक है, हम पढ़ाते हैं आपको, यानी कि ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको मतलब छप जाए दिमाग में, तो वैसे ही पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ने का कोई ना फ़ायदा ही नहीं है। चलो अगला है, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। तो चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर का, गांधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? स्कूल ऑफ आर्ट अभी भी चलती है, उसको बोला जाता है गांधार कला शैली। स्कूल ऑफ आर्ट तो हम लोग बहुत बार हम लोग नाम सुनते हैं इसका, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसे बोलते हैं हम लोग गांधार कला शैली। क्या बोलते हैं? गांधार कला शैली। तो कुषाण वंश कौन से? ये कुषाण वंश जो थे, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं गांधार कला शैली, जो है कुषाण वंश की देन है। ठीक है, इन्होंने ही विकसित की थी। तो कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से
संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था जो कि निम्नलिखित थी। एक थी गांधार कला शैली और एक थी मथुरा कला शैली। तो आपको ध्यान देना है, स्कूल ऑफ आर्ट्स को उसको बोलते हैं, और एक थी मथुरा, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली जो है कनिष्क के शासनकाल में दो स्वतंत्र शैलियाँ थी। बस हमें ध्यान देना अच्छे से इसको। अगला है 89th, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी। कौन? कुमार देवी, कुमारी देवी भी ऑप्शन में था एक, देखो थी ना, कुमारी कन्या थी और क्वेश्चन में कुमारी कुमारी देवी भी देता है, लेकिन कुमार देवी लिखना है। क्या लिखना है? कुमार देवी। चलो तब चंद्रगुप्त प्रथम में अब घुस गए हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम में हम लोग पहुँचते हैं। गुप्त वंश, देखो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वो अलग है, वो मौर्य वंश का था, ठीक है, चंद्रगुप्त यह गुप्त वंश का है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों एक नहीं है। ये प्रथम लगाया हुआ है यहाँ पे, क्या लगाया हुआ है? प्रथम लगाया हुआ है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़ होता है बच्चा यहीं पे। तो चलो, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का जो है प्रारंभकर्ता कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। लक्षवी राज्य की राजकुमारी कौन? लक्षवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। चलो, 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो प्राप्त की थी? तो इन्होंने शकों को पराजित किया था पश्चिमी क्षेत्रों में, और ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि विक्रमांक, परम भागवत। तो कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि महेंद्रा, श्री महेंद्र। जीडी में इतना हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है, जीडी में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। समुद्रगुप्त की उपाधियां कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि। महाराजाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, इसको याद ही कर लेना। जो महाराजाधिराज था जो इनकी जो है, तो महाराजाधिराज की उपाधि जो चंद्रगुप्त प्रथम ने दी थी, ठीक है। तो चलिए, 91वां क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक जो है वो लिखे गए थे? तो तीन, याद रखना, हर्षवर्धन द्वारा जो है वो तीन नाटक जो है वो लिखे गए थे। तो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से थे। तो एक थे प्रियदर्शिका, एक थे रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन जो है स्वयं तीन संस्कृत नाटकों की रचना की थी, जो कि है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। चलो, अब हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया आज का, और सॉरी 91 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलो 92वें क्वेश्चन में, 100 पुराएंगे आज, 20 क्वेश्चन हमारा तभी कंप्लीट होगा आज का टारगेट। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग, प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ, दोनों एक ही होता है, कि रचयिता कौन थे? हरिशयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि SSC के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये, कौन सा? हरिशयन। हरिशयन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया था। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। किन्होंने लिखा? हरिशयन ने। किसके लिए लिखा? तो यह लिखा समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपाधि है, हरिशयन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोका। तो चालुक्य नरेश एक ही थे, और वो थे पुलकेशियन। कौन थे? पुलकेशियन। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक, कलर ही बेकार है, चालुक्य वंश के प्रतापी शासक जो है पुलकेशियन द्वितीय जो है ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका जो है उल्लेख जो है वो ऐहोल अभिलेख में शामिल है। कहाँ पे? ऐहोल अभिलेख में शामिल है। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
डैश ने 5वीं शताब्दी में की थी? तो कुमारगुप्त। बहुत क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त ने, मौर्य ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने, तो लेकिन नहीं, कुमारगुप्त क्या रखना है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त बार बार पढ़ लेना, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, चलो आप बिहार के हो, आप बिहार के हो, और आपको पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से किस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है, तो आप शायद ही कोई इसमें से होंगे जो बता पाएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए कि सारा एसएससी वाला इसको पढ़े। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्र, भारत का नेपोलियन एक ही, एक नाम सुन लो, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त चुपचाप लगा दो, ठीक है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, किसने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का उन्हें नेपोलियन कहा, सैन्य उपलब्धियां थी इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा युद्ध किस नदी के किनारे, नर्मदा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, किस किनारे, तो नर्मदा, इसलिए बोलते हैं कि एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में नर्मदा। तो अब क्या बोला है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी थी, ठीक है। 97वें क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक है? बाण भट्ट। देखो हर्षचरित के लेखक जो है बाण भट्ट थे, हर्षचरित बाण भट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और जो है ये बाण भट्ट इनका नाम है। तो चलते हैं बाण भट्ट की अन्य रचनाओं की तरफ चलते हैं, कि बाण भट्ट की अन्य रचनाओं में जो है हर्षचरित एवं कादंबरी थे। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना जो है वो कौन सी थी? काव्य मीमांसा। किसकी थी? राजशेखर की थी, काव्य मीमांसा। एक कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, किसके? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लेना यार, मैं अब क्या ही बोलूँ, ये क्वेश्चन इतना एग्जाम में पूछा गया भाई, कि कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त हैं इन, ये उनके द्वितीय जो थे उनके उसमें रहते थे कालिदास। अगला है, आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98th क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को। देखो थोड़ा सा तो लगेगा कि अजीब है, लेकिन 12 शासकों को उन्होंने पराजित किया था। कहाँ पे? दक्षिणापथ में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, तो कि समुद्रगुप्त ने संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के की विजय के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। कितनी नीतियां? 3 नीतियां, इसको याद रखना, कि 3 नीतियां जो है अपनाई थी किसके लिए? दक्षिणापथ की विजय के लिए। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उनका बेटा का नाम समुद्रगुप्त था, ठीक है। समुद्रगुप्त गुप्त का दरबारी कवि हरिशेण था, और हरिशयन था। समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन पूछा था बिहार एसएससी में, बिहार एसआई में, कि वीणा बजाते हुए सिक्कों में किन्हें दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। देखो कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं एक क्वेश्चन से, हम लोग सिर्फ 100वां क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो समुद्रगुप्त की ही, ठीक है। जो हमारा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद प्रशस्ति जो इन्होंने किसने लिखी है? वो हरिशेण ने लिखी है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अभी लिखो मैं, जो सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त की विजय अभियान का उल्लेख, कहाँ? सातवें में, सातवें में। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया। उन्होंने जो कुछ
देखा, उसका विस्तृत विवरण दिया हेनसांग हर्षवर्धन के काल में। हाँ से है हर्षवर्धन। हाँ से हेनसांग, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अगला है कि जो चीनी यात्री हेनसांग है, इनका जो है, इनका अपना ग्रंथ जो है सीयू की, क्या सीयू की लिखा था, क्या लिखा था, सीयू की, सीयू की। आज हमारा जो है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, आज जो है हमारा 100 जो है MCQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, 100 PYQ जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो 5 दिन में हम लोगों ने 500 जो क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट किया। देखो दोस्तों, अब 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, सारा प्रीवियस ईयर कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो तो एक बार देख लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लो। खुद से प्रैक्टिस कैसे करना है, ऐसे ही। मेरा भी मोबाइल 12,000 का है, 10,000 का है, छोटा स्क्रीन वाला है, ठीक है। आप भी जो है हमसे PDF ले लो, और PDF से जो है ऑल बुक GD की, ऑल GD बुक जो है मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। ऑल GD बुक जो है अवेलेबल है, आप जो है आराम से ले सकते हो। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, तो 70 70 49 44 76, ये 0 है दोस्तों, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना, क्या करना, व्हाट्सअप करना। और एक है मेरा टेलीग्राम, @edutostudywines, ठीक है। @edutostudywines लिखना टेलीग्राम पे, मेरा लिंक आ जाएगा, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और PDF जो है फ्री नहीं है, पैसे देने होंगे कुछ तब मिलेगा। भिखारी नहीं हो तुम लोग जो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। पैसे लगा के पढ़ोगे, मन लगेगा पढ़ने में। पूरी वीडियो देखा करो मेरी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो लाइक। जो जो SSCGD निकालेगा इस बार, वो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दो एक प्यारा सा। मुझे कोई कमेंट ही नहीं करता, लगता है मैं पढ़ाता ही नहीं बढ़िया। ऑल द बेस्ट गाइज़।